वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने गले पे क्या लिया है, एक छोटे ड्रेस है और एक को बताता हूँ क्या है। एक्चुअली मैंने बोला था पहले से कि इसके ऊपर वीडियो आएगा, तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे थंबनेल देख के, ठीक है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये मेरा तो ड्रेस है, आप लोगों को पता होगा। और ये जो है ये चेस्टी है, जो कि चेस्ट में लगाकर मोटो ब्लॉक किया जाता है। मतलब मोटो ब्लॉक इसके लिए नहीं है, कहने मतलब ये मोटो ब्लॉक के लिए नहीं है, लेकिन जो माउंटेन वगैरह करते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं या ट्रैकिंग करते हैं या फिर कहीं चल रहे होते हैं फिर दौड़ रहे हैं, तो ये चेस्टी काम आता है। तो और भी इसके फायदे मैं आपको बाद बताऊंगा। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये फिट कैसे होगा, और मैं आपको इसको पहनकर इसके ऊपर बाइक चला के दिखाना चाहता हूँ कि कैसा मोटो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, इस पर भी ब्लॉक करते हैं मोटो ब्लॉक, लेकिन ज़्यादातर जो हेलमेट में जो है लगा कर वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन इसका भी कितने लोग यूज़ करते हैं, तो आज मैं इसी को रिव्यू करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, इसको पहनते कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो है इसको आपको पहले इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, एक साइड का आप खोलोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ऐसा आया। ठीक है, और ये वाला ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा रहिए आपके छाती पर ऐसा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग मैं दोबारा दिखा दूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो आप जब यूज़ करोगे। ठीक है, इसको चेस्टी कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या है कि मोटो ब्लॉक भी क्या रहता है, इसको पहन के आप माउंट के ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। मतलब मान लो आपके हाथ दोनों बिजी हैं और आपको ये वाला रिकॉर्ड करना है, आप जो कर रहे हो ब्लॉक करना है, तो उसको यहाँ पर माउंट करके आप लोग यूज़ कर सकते हो कैमरा को। ठीक है, तो आज मैं वही बनाने वाला हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, फिर भी मैं वीडियो को जितना उससे उतना शॉर्ट करूँगा। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये ऐसा है। ठीक है, आपको ये एक तरफ का इस साइड से खोलना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला जो था यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था। ओके, ऐसे था। ठीक है, तो इसको एक साइड का आपको निकाल देना है। ठीक है, और मैं फिर से बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको कैसे पहनना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक जो है ये वाला इधर ऐसे लगेगा, और एक जो मैं ऐसे पकड़ा हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे खाली है, ऐसे है। ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ पर इसके अंदर फंसाना है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया है, इसके अंदर फंसाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर से हाथ डाल के ऐसे लाना है। ठीक है, ये आया तो मुझे पीछे देख सकते हैं, ये वाला ऐसे लटक रहा है, तो इसको यहाँ पर लाने पे, ठीक है, ये जो पार्ट है ये जो इधर लगेगा मैं इसको ऐसे घुमा कर लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे घुमा कर लाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाने के बाद ये जो पार्ट है ये आपको ऐसे घुमा कर ऐसे लगाना है इधर से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे रहेगा ये वाला। ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैं बता दूँ ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हो, ये लग गया। ओके, आप जितना सके उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे भी टाइट रह रहा है ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑटो यहाँ पर दिया उसको लगाना है। यहाँ पर फंस गया, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे पीछे का। ठीक है, तो इसको ऐसे लाना है और इसको यहाँ से लगाना है। ठीक है, ये जो मैं बताया था आपको यहाँ पर इसी पर लगाना है। ठीक है, तो इसमें इसको आपको ऐसे फिट करना है इसके अंदर। तो ये लग गया, काफ़ी इजीली लग गया। पहले पहले नया नया मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी लेकिन लग गया। ठीक है, ऐसा लग रहा हूँ मैं किसी मिशन पे जा रहा हूँ, बस बंदूक चाहिए अपने। तो इसको आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, मतलब सिर्फ पहना था, तो उसको मैंने अपने हिसाब से टाइट कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पीछे से आगे से कैसा रहेगा। ठीक है, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और भी ऊपर कर सकता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको बाइक पर राइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं ऐसे ही बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि धूप हो रही है, थोड़ी बहुत हाथ काला पड़ जाएगा और ये दिख भी रहा है तो अजीब लग रहा है, कोई बोलेगा क्या, कौन कहाँ से फॉरनर्स आ गया क्या। तो इसको मैं ऐसे ड्रेस पहन के इसको हाइट थोड़ा बहुत कर लूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हाइट हो गया, ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा। मैं इसके नीचे ब्लैक पहनने वाला था, ठीक है, लेकिन सोचा कि आप लोगों को ये ब्लैक ड्रेस ब्लैक तो समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ छाती के पास पूरा यहाँ है। ठीक है, ताकि ये बटन लगाने में मुझे आसानी हो, तो पूरा फिट हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग निकलेंगे बाइक पर राइड करने के लिए। ठीक है, और देखेंगे कि व्यूज़ कैसा आ रहा है। एक्चुअली मैं और एक बार बता दूँ, मैंने माइक कोई भी नहीं लिया, बस इस डीजे ऑस्मो का इंटरनल माइक ही यूज़ करूँगा मैं। मानता हूँ कि बाहर शोर होगा, फिर भी आपको व्यू का अंदाज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बाहर, इतना फोल्ड करना तो बनता है, अब उतना भी धूप तो नहीं हो रहा है। तो गाइस, अब मैं रेडी हूँ, आप लोग देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर जो निकला है। यहाँ पर अपना मोबाइल तो नहीं, कैमरा लगेगा, मैं कैमरा जो पकड़ा हूँ ऐसे लगेगा, मैं बस बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं लगाने वाला मैं। इस माउंट में से ये वाला ये इस निकाल के इसमें लगाऊंगा। यहाँ पर जो ऐसे निकला है मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिट करने वाला हूँ, ऐसे फिट होगा। ठीक है, और इसके बाद ये क्लिप लगेगा, देखते हैं इसको मैं यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। होते तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला यहाँ लगेगा ऐसे इसमें साइड में, देख सकते हैं फिट हो गया। ठीक है, ऐसे रहेगा। अभी ये एंगल कैसा है ऊपर या डाउन, वो तो मैं नीचे बाइक पे बैठ के कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, फिलहाल के लिए मैं इतना कर लेता हूँ।
बस गिरे ना, इतना श्योर रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा देखने के लिए किस टाइप की। चलो काफ़ी है, गाड़ी का चाबी ले लिया है और मैं जा रहा हूँ बाइक की तरफ और इसके ऊपर बैठ के आपको दिखाऊंगा ये वाला एक्चुअली पूरा फिट नहीं किया, फिट करूँगा। तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद लगा, एक्चुअली क्या है कि मैं सेटिंग्स गलत कर दिया था, उसको ठीक कर रहा था यहीं पर धूप में खड़ा हो गया, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब पसीना छूने लगा। तो अगर मैं गाड़ी निकाल के आपको दिखाता हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं इंटरनल ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़रा टाइट कर देता हूँ, टाइट किया नहीं हूँ। तो गाइस पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट ये मेरा जो है पहला ट्राई है, तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ऐसा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, व्यू कैसा है, मतलब मोटो ब्लॉग के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो माइक का बस इश्यू हो सकता है, मैं जब बोल रहा हूँ तब मैं क्लच मार दे रहा हूँ गियर को, ओके, ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। तो मैं आपको थोड़ी देर तक दूर तक ले चलता हूँ, यहाँ पर कुत्ते लोग सारे हैं, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है यार। एक्चुअली गाड़ी का ब्रेक नहीं पकड़ रहा है, पता नहीं क्यों, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। तो मैं ब्रिज पे जाने वाला हूँ, तो सब ठीक है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे, देखा ही उतर के रिकॉर्डिंग चेक करूँगा कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो इधर साइड में आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पर नया ब्रिज बनने वाला है, इसलिए तो मैं अपना एक्चुअली क्या है कि सर नहीं घुमा सकता, मतलब क्योंकि सर घुमाने से कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे दिखेगा आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने चेस्ट पे पहना हुआ है कैमरा को। तो मैं बता दूँ एक्चुअली लॉकडाउन लग रहा है, ठीक है, तो लॉकडाउन आज रात को 9 बजे से लगेगा, 9 से सुबह 6 तक लगता है, लेकिन परसों से 5 तारीख से क्या है कि लॉकडाउन जो लगेगा पूरा टोटल लॉकडाउन लग जाएगा हमारे यहाँ कटक में, मतलब ओडिशा में। चलते हैं और आगे थोड़ा, ठीक है, मतलब आप लोग स्टेबिलिटी भी चेक पा रहे होंगे कि स्टेबिलिटी कैसा है। तो यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं रुक के आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू है। तो ये रहा मेरा बाइक, यहाँ पर बाइक मैंने रख दिया, और आप लोग ब्रिज पे क्लब ब्लॉक तो ऑलरेडी देखे होंगे काफ़ी सारे, तो देख सकते हैं व्यू कैसा है। मैं फिर से बाइक चलाता हूँ, ठीक है, कैसा चल रहा है आप देखेंगे। फ़ोन चेक कर रहा था, अभी बज रहे हैं 4:15, ठीक है, तो अभी मैं निकलता हूँ। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं कैसा व्यू आ रहा है, थोड़ा बहुत तो देखा, चलो आगे निकलते हैं। तो मैं आगे से घूम कर आने वाला हूँ थोड़ा बहुत, मैं पीछे से आया था। तो वाइड एंगल आप लोग देख सकते हैं कितना है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी 2.7K में और रेशियो 16:9 में, ठीक है, और रॉक स्टेडी तो ऑब्वियसली ऑन है ही, वो तो मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ, बिना रॉक स्टेडी का कुछ फ़ायदा नहीं वीडियोज़ का। तो मैं अभी यहाँ पर से राउंड मारने वाला हूँ, यहाँ से घूमकर वापस में जाऊँगा, ठीक है, और इस बार मैं करूँगा रिकॉर्डिंग 4:3 में करूँगा अब, ठीक है। तो अभी मैं उतर के 4:3 में रिकॉर्डिंग करने लूँगा। तो यहाँ पर मैं अभी रुक कर 4:3 करूँगा, उसके बाद से जाएंगे घर को, ठीक है। ये है 4:3 जैसी होगी, ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा वाइड दिख रहा होगा, अब इसमें देखते हैं कैसा दिख रहा है आपको। ये बार बार एक्चुअली इसका एक अलग ही कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, ये बार बार घूम जाता है। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4:3 में हो रहा है, जो अपना रेस्टियो है 4:3 है, और पहले जो था वो 16:9 था, और अब जो है 4:3 है। तो इसमें देखने में शायद थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा आपको, इसका जो वाइड एंगल है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब चारों तरफ से वाइड एंगल ज़्यादा लेता है ये वाला, लेकिन इसमें क्या है कि साइड से दोनों तरफ से कट जाता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी मैं ज़रा स्ट्रेट बैठा हूँ, ठीक है, और अब मैं ज़रा डाउन होके बैठा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वैसे शाम को निकलता तो ज़्यादा अच्छा होता, अभी थोड़ा बहुत धूप है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। और किसी दिन मैं आपको हेलमेट मार कर दिखाऊंगा कि हेलमेट में
हेलमेट माउंट करने पे कैसा दिखता है, ठीक है। और मैं अभी चिल्ला कर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको सुनाई दे रहा होगा कैमरा में कुछ, इसलिए जिस दिन मैं माइक लाऊंगा उस दिन मैं आपको माइक में लगा के फिर एक बार टेस्ट करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी घर को चलते हैं, ओके। वैसे भी काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया होगा शायद, तो मैं यहाँ पर रुक कर जरा रिकॉर्डिंग देख लूँ हो रहा है या नहीं, देखना पड़ता है। पता लगे क्लिप बेकार गया, घर चला गया, इसलिए पहले देख लेना अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि सामने ब्रिज का काम चल रहा है, तो वैसे भी बाइक का पता नहीं ब्रेक वाला काम नहीं कर रहा, आगे का पीछे का काम कर रहा है, लेकिन आगे का भी पीछे का भी सर्विसिंग करना पड़ेगा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली मैं अपने घर के गली में आ गया। तो इस तरह जो लोग मेरे घर को पता नहीं एड्रेस, वो लोग भी जान जाएंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं घर को आ चुका हूँ। चलो ये फिर से घूम गया, इसका कहानी बताऊंगा अंदाज़ में आपको। इसका कहानी क्या था कि बता रहा हूँ, ये जो है ना हम लोग घर के अंदर रखते हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग जोर से इसे घुमा देते हैं, तो इसलिए बेंड हो गया। अभी ठीक है, कभी कभी बेंड हो जाता है बस इसलिए। और मैं अभी छत पे इसको ले जा रहा हूँ, जहाँ से हम लोग वीडियो शुरुआत किए थे वहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो फाइनली घर पे आ गए हम लोग, ठीक है। मास्क भी ज़रूरत है, आप अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क जरूर पहनो। वैसे भी रास्ता खाली तो कोई था नहीं, तो अब मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो ठीक ठाक रहा सफ़र, लेकिन कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरा ये जो गाड़ी है मेरा बाइक है, ठीक है। तो मेरा बाइक एक्चुअली काम पड़ने पे तो मैं भी यूज़ करता हूँ, उसमें क्या मतलब इसमें मेरे घर का बाइक है, कोई पर्सनल बाइक नहीं है, मतलब पहला प्रेफरेंस भाई को जाता है, भाई इससे फुर्सत मिलेगा तब मैं भाई से फ्री होगा तो मिल जा सकता हूँ, जैसे कभी फ्री था क्योंकि लॉकडाउन है भाई घर पे। तो वेलकम बैक एवरीवन। तो आई होप आप लोग को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा कुछ अलग किया आज मैंने। एक्चुअली ये चीज़ मैंने पहले से सोच कर रखा था करने के लिए, लेकिन यू नो मतलब कभी कभी टाइम नहीं होता था, कभी कभी ठीक मौका नहीं मिलता था, और कभी कभी मूड भी नहीं होता था। तो आज मैंने ट्राई किया, और नेक्स्ट का भी मैं आपको हेलमेट पर माउंट करके दिखाऊंगा कैसे कैसा आ रहा है। वो भी सब इंस्ट्रूमेंट है, बस मैंने अभी समय नहीं बनाया उसका कि कब करना है, बस डिसाइड नहीं किया हूँ। आज खाली था तो ये वाला कर दिया, ठीक है, चेस्टी वाला। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इसे डेली ब्लॉग्स करता हूँ, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऑस्मो के बारे में ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो। और आपको कैमरा ख़रीदना है या चेस्टी ख़रीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना, जाकर प्राइस चेक कर लो, स्पेसिफिकेशन देख लो, शायद आपको अच्छा लग जाए, ऑर्डर कर दो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ओके बाय।